जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, जो पांच प्रस्ताव हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, मैं भाइयों के बीच में रखना चाहता हूं। इस 500 प्रस्ताव आने के बाद, आप लोगों के सहमति लेने के बाद, बेटी प्रियंका बहुत ही इंटरनेशनल धार्मिक प्रवचन करती है, लास्ट भजन सुन के और फिर खापों की और संयुक्त मोर्चे के जयकारे के साथ विदाई करेंगे। मेरी एक और भाइयों से प्रार्थना है, कोई भी भाई ये प्रसाद लिए बगैर नहीं रहे, ये मेरी रिक्वेस्ट है भाइयों से। तो जो पांच प्रस्ताव आप लोगों ने सुबह जो रखे, इसमें हमारे भाइयों से जो तमाम खापों के प्रधानों से डिस्कस करके, कोई भाई खड़ा नहीं, जब भी 3 देर बैठे तो मेरी भाई 10 मिनट का टाइम हो रहा है। आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है, आप किसी मकसद के लिए भी आए हैं, अगर समाज की भलाई के लिए आए हैं तो मेरी भाई से पहले कोई भाई नहीं उठे, बैग तो उठा ले। आज सबसे पहले आज से ये कसम खा ले, इस पंडाल के अंदर जितने भाई बैठे हैं, कोई जाति पाति नहीं, इंसान और इंसान है, सिर्फ इंसान इंसान, कोई भी हो वो अपना भाई है। और इस प्रस्ताव के अंदर ये फैसला किया गया है कि किसी भी जाति के अंदर जितने भी महापुरुष आए हैं, भगवान परशुराम ले, वाल्मीकि ले, महर्षि दयानंद ले, छोटू राम ले, महाराज अगरसन ले, उन सभा सभी महान पुरुषों का जन्मदिन, उन सभी महान पुरुषों की जयंती, ये पूरा समाज मिलकर मनाएगा, सैल्यूट करेगा उनको, जिन्होंने समय समय पर समाज को जगाने का काम किया। और कोई भी भाई, ये नौबत क्यों आ गई, ये जाति पाति का कारण और निवारण क्या, इस जाति पाति का कारण ये था कि उस जाति का मुखिया बनकर लोग अपनी राजनीति करना चाहते थे। अगर किसी भाई ने राजनीति करनी है तो सेवा करके करें, इस जाति पाति के जहर में घोल के समाज को खत्म ना करें। कोई भी नेता ऐसी कोई बात करता तो पूरा समाज 36 राज्य उसका बायकॉट करेगा, ये फैसला इसके अंदर शामिल करें हमने। दूसरा जो एजेंडा था, क्या आप लोग इस बात पर सहमत हैं, हाथ उठाएं भाई, इस बात पर सहमत है। दूसरा जो एजेंडा था, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नशा घर कर गया, आज नौजवान नशा करने लगा, भाई हमारे बुलिया खाप के प्रधान ने 30 गांवों की पंचायत थी, मुझे उसमें भी जाने का सौभाग्य मिला कि समय कितने बच्चे, जो समय का कारोबार करता है, जो अपने पेट पालने के लिए पूरे समाज को खत्म करता है, अगर ऐसी कोई किसी भी खाप के अंदर कोई बात आती है तो हम सब मिलके उसका जाति बहिष्कार उस परिवार के सहित तो समाज से बाहर करेंगे कि तू समाज के काबिल नहीं है, हमारे समाज को खत्म करने का काम कर रहा है। ऐसा कोई भी भाई गलत काम करेगा तो पूरा समाज 36 राज्य का विरोध करेगा, ये भाइयों को मंजूर है। तीसरा, इसके अंदर जो भ्रूण हत्या, इस 21वीं सदी के अंदर दुनिया बहुत आगे चली गई और हमारे समाज के अंदर आज लड़का और लड़के के अंदर भेद समझते हैं। इस कुप्रथा को रोकने के लिए तो गर्भ के अंदर बच्ची धरती बहाना चाहती है, कुछ करके जाने की तमन्ना है, उसको गर्भ में खत्म करता है। जो समाज का कोई भी भाई होता है, सगा भाई हो, उसका हमने डट के विरोध करना और उसको ठाके हवालात के अंदर दबाना हमारा समाज का काम है, हमारी खापों का काम है। क्या आप लोग इस बात पर सहमत है? सहमत है तो हाथ उठाओ जुल्म को रोकने के लिए। और एक आप लोगों ने देखा, पांचवा जो इसके अंदर जो प्रस्ताव आप लाने जा रहे हैं कि नौजवानों के अंदर ये जो देर प्रथा की कुप्रथा चल पड़ी, बच्ची को माँ बाप पेट पाल के पढ़ाता है, वो गरीबी के हालात में बच्ची को पढ़ाता है, लेकिन उसके बावजूद भी दहेज रूपी राक्षस शादी करने के बाद बच्चे के महंगे हाथों से नहीं उतरती, बिने तो बिने में डेड बॉडी आती है। मेरे बुजुर्गों भाइयों, इस कलंक को रोकने के लिए जो भी समाज के अंदर 36 बरादरी के अंदर कोई दहेज की डिमांड करता है, आज से ये प्रेरणा ले लो, उस परिवार में उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना डिमांड करने वाले को। अगर कोई ऐसा काम करता है उसके बावजूद भी वो डिमांड रखता है तो पूरा समाज 36 बरादरी उसका जाति बहिष्कार, उसको समाज से अलग कर देगा, इस बात पर सहमत है भाई। और एक लास्ट में जो पांचवा छठा जो प्रस्ताव हम पास करने जा रहे हैं, हम सरकार से करेंगे कोशिश, आज ये प्रस्ताव पास करके जा रहे हैं, करने जा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लव मैरिज लड़का और लड़की शादी करते हैं, माँ बाप ने पढ़ाया, अब दादरी की घटना आपको बताता हूँ, 15 दिन पहले शादी हुई लड़की की और 16वें दिन यहाँ होटल के अंदर आके जिस लड़के से अफेयर था उसने उस लड़की को भी गोली मारी, खुद ने भी सुसाइड कर। 2 दिन पहले आपने देखा रेल के नीचे कट के मरे, तो हिंदुस्तान का भविष्य है, तो हिंदुस्तान की ताकत, आने वाली ताकत, जो कौम और नस्ल को बचाने का काम है,
उस कौम और नस्ल को भविष्य को रोकने के लिए आज ये पंचायत ये प्रस्ताव जाती है कि हम अपनी तरफ से प्रस्ताव करके सरकार के पास भेजेंगे, भारत सरकार के पास भेजेंगे कि माँ बाप की सहमति के बगैर अंतर जाति विवाह करो, कोई किसी से शादी करो, लव मैरिज भी करो, लेकिन उसके अंदर माँ बाप की सहमति का सर्टिफिकेट सरकार ने जरूर लेना चाहिए। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? ये 5-6 एजेंडे थे। मेरी उन्हें भाइयों से प्रार्थना, तमाम सरदारी का, तमाम संयुक्त मोर्चे का, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। पिछले 1.5 महीने से प्रयास था कि हम इस बुराई को रोकें और इस पंचायत के अंदर माननीय सतपाल मलिक जी हमारे मेघालय के गवर्नर साहब, उन्होंने हमारे को टाइम भी दिया, कल का एजेंडा भी पास होके आ गया, दादरी के अंदर भी आए, लेकिन मैं कहता हूँ जिस समाज से मलिक साहब जुड़े थे उनसे ये आशा थी कि हम उनका विश्वास और भरोसा सम्मान देते और उनके वचन को सुनना चाहते थे, लेकिन कुछ भाई इस समाज के अंदर जो गिरावट है, जो टांग खींचने में विश्वास रखते हैं, अपने समाज के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट है कि फलाने का छोरा फौज में कैप्टन बन गया, बोला बन गया होगा इसका बाबू, हमने मेंबर नहीं बन गया, ये जो टांग खिंचाई की उस भाई को बहका के अब उस पंचायत में मत जाना। अरे पंचायत में जाने से क्या हल्कापन होता मेरे बुजुर्ग भाइयों, हम तो 32 साल से पंचायतों में जा रहे, पंचायती रहे, पंचायत के अंदर जाना सौभाग्य है जिस आदमी को मौका मिलता है समाज की बुराई को, अच्छे ज्ञान अच्छे बुद्धि को। इसलिए मेरी मलिक साहब से प्रार्थना थी, उसने इस गरिमा को रखना चाहिए था और हमारे देश में आना चाहिए था। अब मैं बेटे प्रियंका से प्रार्थना करूंगा, एक धार्मिक वचन सुनाएगी, उसके बाद तीनों चीजों की जयकारा लगाएंगे, कोई भी भाई बिना प्रसाद लिए ये आप लोगों के शव में लगा रखे देसी का भंडारा।